टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को कड़ी पटकनी दी है। इस हार को पाकिस्तान के प्रशंसक पचा नहीं पा रहे हैं। मैच में हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया। वेड ने अगली तीन गेंदों पर 3 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हार के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। आलोचना खूब तीखी हो मगर खिलाड़ी के संप्रदाय और परिवार को घसीट लिया जाए तो सभ्यता का दायरा टूट जाता है। पाकिस्तानी ट्विटर और इंस्टाग्राम हसन अली के खिलाफ बेहद शर्मनाक टिप्पणियों से भरा हुआ है। ट्रोल्स ने हसन अली के सिया होने और उनकी भारतीय पत्नी सामिया को भी नहीं बख्शा। सामिया को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हसन अली को पाकिस्तान में गद्दार तक कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खराब गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को कहा गया था। हालांकि बाद में ये साफ हुआ कि शमी पर ज्यादातर ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तानी यूजर्स की ओर से हुई थी। इंस्टाग्राम पर हसन अली और उनकी पत्नी सामिया आरजू के अकाउंट पर पाकिस्तानी यूजर्स के गंदे कमेंट्स की भरमार है। कोई उनसे पूछ रहा है कि सेमीफाइनल में रन कुटवाने के लिए उन्होंने कितने पैसे लिए थे। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर लटके झटकों वाली पोस्ट तक को जिम्मेदार बता दिया। सामिया के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कुछ पाकिस्तानियों ने तो ट्वीट में लिखा कि हसन अली को आते ही गोली मार देनी चाहिए। प्लेयर्स ऑफ द मैच चुने गए मैथ्यू वेड ने 17 गेंदों में 41 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। वहीं मार्कस स्टोइनिस ने 31 गेंद में 40 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 2 6 छक्के शामिल हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 6ठे विकेट के लिए 6 ओवर और गेंद में नॉट आउट रहते हुए 81 रन की पार्टनरशिप की। बाएं हाथ के बैट्समैन वेड ने इस टूर्नामेंट में सबसे घातक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की जमकर धुनाई की। मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारकर ऑस्ट्रेलिया को 1 ओवर पहले ही जीत दिला दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।